सहारनपुर मामला थाना कुतुबशेर क्षेत्र अब्दुल रहीम कॉलोनी कोलागढ़ के पास का है, जहां पर घरों के अंदर का जोहर का पानी पहुंच गया है। लोगों का बाहर जाना भी दुश्वार हो गया है। लोगों का कहना है हमारे घरों के पास एक मछली पालन जोहर बना हुआ है जो कि ग्रीन पार्क के मालिक का है। अब जब जोहर में पानी भर जाता है तो जोहर का पानी हमारे घर तक पहुँच जाता है। हमने कई बार जोहर के मालिक को अपनी समस्या बताई, मगर मछली पालन जोहर का मालिक हमें पुलिस की धमकी देता है। बोलता है मेरे पुलिस में बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा। हमने कई बार मछली पालन ठेकेदार से भी बोला तो ठेकेदार ने बोला तुमसे जो होता है कर लो, पानी तो जाएगा। हमारे घर के ऊपर से हाई वोल्टेज की तार जा रही है, जब जब पानी हमारे घरों में आता है तो करंट भी आ जाता है। कुछ दिन पहले करंट आने से एक घर के मीटर में आग भी लग गई थी और एक कुत्ते भी करंट से मर गया था। जब हमने अपने वार्ड 67 के पार्षद को अपनी समस्या बताई तो पार्षद ने हमें बोला तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर हमें हमारे बच्चों को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी की रिपोर्ट, टीवी इंडिया। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं शाहुद्दीन रहीम सेक्टर 67 का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है रहमान भाई? हमारी समस्या यह है कि यहाँ पे एक नजदीक में जोहड़ है और हम यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। पहले तो इतनी समस्या नहीं थी, अब यहाँ पे घर ज्यादा बन गए और जोहड़ का पानी जो है हमारी पूरी कॉलोनी में भर जाता है और चलने की भी कोई रास्ता नहीं रहता, सब जगह पानी भरा हुआ है। ये जोहड़ का पानी निकलते हैं, हम जोहड़ के मालिक के पास कई मरतबा गए, वो हमें पुलिस की धमकी देकर डरा देता है कॉलोनी वालों को, मलिन बस्ती है और हमें सबको धमकी देता है कि तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा, तुम्हारे पे जो हो सकता है वो कर लो। मौजूदा पार्षद के पास गए? जी, मौजूदा पार्षद के पास भी हम गए, मौजूदा पार्षद भी कोई इसमें एक्शन नहीं लेते, ना ही कोई ध्यान देते, हमें कहते हैं हाँ मैं करा दूंगा, लेकिन अब तक के इसमें कोई कार्य किसी भी तरह का शुरू नहीं हुआ। किसी के अधिकारी के संज्ञान में डाली आपने? अभी तक हमने किसी अधिकारी के संज्ञान में नहीं घेरी, अब हम सोच रहे कॉलोनी के लोग के अधिकारियों के संज्ञान में भी इस बात को हम घेरे मीडियम के माध्यम से। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था ऐसी है, सिर्फ एक खंभा है और तार सारे जर्जर हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एक तार गिरने से एक मीटर फूका हुआ है, एक कुत्ता मरा और कल को शायद ये हमारी साथ भी हो सकता है। और हमारा थोड़ा सा ये कहना है सब कॉलोनी वासियों का कि थोड़ा प्रशासन हमारी तरफ ध्यान दे और इस मलिन बस्ती में थोड़ा सा कार्य कराने का काम करे। मीडियम के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात हमारे अधिकारियों तक पहुंचे और जो ये गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, जैसे जोहड़ वाले हैं, जोहड़ के जो मालिक हैं वो हमें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके दिल में डर बैठे और इस काम को वो जोहड़ का पानी रोकने का काम करें। ग्रीन जो इसमें जिसके जोहड़ से पानी आ रहा है उसका नाम मोहम्मद रफात है। अच्छा, क्या बात कही आपने? हमने उनसे दो तीन मरतबा मिले, वो हमें हमेशा पहले तो कह रहे थे कि मैं कराऊंगा, दो बार तो हमने ये कहा, उसके बाद उन्होंने हमारे पास प्रेशर बनाने शुरू कर दिया कि वो पुलिस की धमकी देनी शुरू कर दी, क्योंकि ग्रीन पार्क पे डायल 112 वाले लोग आके बैठते हैं, वो उनके माध्यम से हम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जोहड़ में इतना पानी कहाँ से आता है जो घर तक पहुँच जाता है? ये जोहड़ का पानी वो नहर का पानी खोल कर रखते हैं, छोटी नहर है यहाँ नजदीक में, उसका पानी खोल कर रखते हैं, वो कंटिन्यू रेगुलर चलता रहता है, तो वो पानी निकल के फिर हमारी बस्ती में आता रहता है। तो वो पानी को आपने नहीं कहा तो नहर के पानी को बंद करने को? जी, उसे चार मरतबा कह लिया, वो कहता है मैं बंद करा दूं, लेकिन फिर वो खोल देता है उसको पानी को और सारी बस्ती में पानी भरा रहता है।